2020 का पहला वीडियो. वेल गाइस, विश यू ऑल अ हैप्पी न्यू ईयर. अगर आपने हमारा व्लॉग अभी तक नहीं देखा है, और यहाँ पर है Realme का एक नया पैकेज, साल का पहला अनबॉक्सिंग, और वी हैव द Realme X2 Pro Master Edition designed by Naoto Fukasawa. और यहाँ पर दोस्तों इसी के साथ में है एक गिम्बल, और वो है DJI का Osmo Mobile 3 Combo. और अब हम करने वाले हैं एक अनबॉक्सिंग, लेकिन एक अलग तरीके से अनबॉक्सिंग, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इस पैकेज के सारे कंटेंट्स. अगर हम बात करते हैं दोनों प्रोडक्ट्स की, तो यहाँ पर Realme का X2 Pro एक स्पेशल एडिशन बॉक्स है. हालांकि ये एक डिफरेंट प्राइसिंग पे लॉन्च हुआ है. यहाँ पर है 12GB रैम, 256GB स्टोरेज, और उसी के साथ साथ यहाँ पर है मोबाइल 3 कॉम्बो, जो है Osmo का लेटेस्ट गिम्बल, जहाँ पर इसकी प्राइस है 8,999 रुपये, और ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पर लॉन्च हुआ है. सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द अनबॉक्सिंग. दोस्तों, बॉक्स के अंदर हमें मिल जाता है ये प्रोडक्टिव केस, क्विक स्टार्ट गाइड और इन्फॉर्मेशन बुकलेट, ये ब्यूटीफुल Realme X2 Pro सेरामिक एडिशन स्मार्टफोन, टाइप सी केबल, सुपर वूक चार्जर, 50 वॉट का सुपर फास्ट चार्जिंग, एंड फाइनली अ सिम एजेक्टर पिन. इस बॉक्स के अंदर हमें मिल जाते हैं ये दो चीजें और टाइप सी केबल. उसी के साथ साथ यहाँ पर कुछ स्टिकर्स है. यहाँ पर प्रॉपरली इसका कैरिंग पाउच है. ये रहा एक छोटा सा लेग जो काफी लाइट वेट है, और ये काफी कूल लुकिंग भी है, काफी हल्का फुल्का है ये. और फाइनली ये रहा बॉक्स Osmo 3 गिम्बल का, और ये है Osmo फ्रॉम DJI, एंड दिस इज द ऑल न्यू DJI Osmo 3 फोल्डेबल डिजाइन. और इसको आप कुछ इस तरह से खोल सकते हो, और इसके अंदर आप अपने स्मार्टफोन को रख के गिम्बल की तरह यूज कर सकते हो. और ये है Realme X2 Pro Master Edition. अ ब्यूटीफुल फीलिंग ऑन द बैक, साइन है या फिर यू कैन से ऑटोग्राफ बाय द पर्सन हु हैज डिजाइन्ड इट. पीछे यहाँ पर आपको मिलता है क्वाड कैमरा सेटअप, और एक ब्यूटीफुल डिजाइन सैंडस्टोन फिनिश है. रिमाइंड्स मी ऑफ वन ऑफ द फर्स्ट वन प्लस स्मार्टफोन्स. राइट साइड में है ऑन ऑफ स्विच, सिम कार्ड की ट्रे है. लेफ्ट की साइड में आपको मिल जाते हैं वॉल्यूम रॉकर्स. ऊपर की तरफ है सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक. नीचे की तरफ आपको मिल जाता है टाइप सी पोर्ट, स्पीकर ग्रिल, 3.5 हेडसेट जैक और प्राइमरी माइक्रोफोन. सो लेट्स हेड ओवर टू सेटिंग दिस अप, और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर DJI Osmo 3 गिम्बल का. सो गाइज, यहाँ पर गिम्बल सेटअप हो गया है. वी हैव सेटअप द Realme X2 Pro ऑन दिस गिम्बल. यहाँ पर आप देख सकते हो पीछे की तरफ कुछ बटन्स है, जैसे कि ये बटन जहाँ पर आप डबल टैप कीजिए और गिम्बल रेगुलर पोजीशन पे आ जाएगा, मतलब स्टेबलाइज हो जाएगा. और इनफैक्ट अगर मैं यहाँ से आपको डेमो दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हो कि ये अभी सेल्फी मोड में है. ट्रिपल टैप कीजिए बटन को, और वो स्विच कर देगा आपके कैमरा को रेगुलर, मतलब सेल्फी मोड से रेगुलर मोड में, कुछ इस तरह से. सो आपको यहाँ पर स्क्रीन को टच करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. बेसिकली पीछे की तरफ फंक्शन है, तीन बार प्रेस कीजिए और आप डायरेक्टली स्विच हो जाएंगे सेल्फी मोड में. उसी तरह कुछ और मोड्स भी है. लेट से अगर आप यहाँ पर व्लॉग शूट करते हो, तो आपके लिए ये बहुत ही बेहतरीन स्टेबलाइज वीडियोस दे देगा. प्लस अगर आप चाहते हो कि आप पोर्ट्रेट मोड में वीडियो शूट करें या फिर लैंडस्केप में शूट करें, तो यहाँ पर आपको उसके भी ऑप्शंस मिल जाते हैं. डबल टैप कीजिए एम बटन, जो है इस यहाँ पर इनका मैनुअल बटन, इसको आप डबल टैप कीजिए, ऑटोमेटिकली कैमरा स्विच हो जाएगा यहाँ पर इस तरह से पोर्ट्रेट मोड में. वापस से डबल टैप कीजिए और वो लैंडस्केप मोड में चला जाएगा. इनफैक्ट यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फीचर है जो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, जो है ये फीचर जहाँ पर आप रियर कैमरा में जा सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं, एंड यू आर जूमिंग इन अप टू 10x. मतलब अगेन वो तो Realme X2 Pro की कैपेबिलिटी फीचर है, जिसके कारण आप कुछ इस तरह से स्टेबलाइज शॉट्स ले सकते हैं. प्लस उसी के साथ साथ 10x तक जूम कर सकते हैं, और यहाँ पर अगर आप चाहते हो तो आप पैन टिल्ट ये सारे फंक्शंस का भी उपयोग कर सकते हैं कुछ इस तरह से, और बेहतरीन व्लॉग शूट कर सकते हैं. या फिर अगर आपको बी रोल चाहिए, कहीं आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप स्टैंडर्ड फुटेज चाहिए, तो आप कुछ इस तरह से इस कैमरा को यूज़ कर सकते हो. तो ये है Realme का X2 Pro Master Edition, जिसके साथ साथ यहाँ पर मेरे पास है DJI का लेटेस्ट Osmo Mobile 3
गिम्बल जो एक सुपर कॉम्पैक्ट गिम्बल है जिसको आप फोल्ड करके अपने बैकपैक के अंदर कहीं भी लेके जा सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब रहिए इसी चैनल के ऊपर कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, और मैं आपको मिलता हूँ हमारे अगली वीडियो में। अगर आपके पास कोई भी सवाल है इस गिम्बल को लेकर या फिर स्मार्टफोन को लेकर तो नीचे कमेंट करना मत भूलिए। मैं आपको मिलता हूँ हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।